यूपी में पुलिस वालों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिलती रहती है। एक बार फिर से यूपी के बदायूं में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ठेले वाले पर पुलिस ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि पराठे के रुपए मांगने पर पुलिसकर्मी की ओर से ठेले वाले का सिर फोड़ दिया गया। थाना इस्लाम नगर में तैनात एक सिपाही ने बीती रात कस्बा के मेन बाजार पुलिस चौकी के पास ठेला लगाकर पराठे बेचने वाले युवक के सर में डंडे मारकर उसे घायल कर दिया। हंगामे के बीच लहूलुहान होकर जब युवक बेहोश हो गया तो भीड़ काफी आक्रोशित हो गई। आपको बता दें कि इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं सिपाही मौके पर अपनी बाइक छोड़कर भाग निकला। थाने में पहुंचकर लोगों ने थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह से सिपाही की शिकायत की। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिपाही रितेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जनहित टाइम्स के लिए बदायूं से सौरभ पाल की रिपोर्ट।